हेलो, नमस्कार। मैं हूँ लक्ष्मी। मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग केयर विद लक्ष्मी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान 9 महीने के अंदर कितने अल्ट्रासाउंड होने चाहिए और कब कब होने चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अल्ट्रासाउंड कब कब और कितनी बार करवाएं। गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड एक जरूरी हिस्सा है। हर गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराना ही पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं के मन में ये सवाल होता है कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कब और कितनी बार कराना चाहिए। गर्भवती महिलाओं की पहली सोनोग्राफी में जहाँ बच्चे के पैदा होने की तारीख का पता लगाया जाता है, वहीं दूसरी सोनोग्राफी बच्चे के शरीर के सभी अंगों के बारे में पता लगाता है। इसमें पता लगाया जाता है कि बच्चे के सभी अंग ठीक हैं, सही से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई समस्या हो तो अल्ट्रासाउंड में इसे जल्दी पकड़ लिया जाता है ताकि समय पर इलाज किया जा सके। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान दूसरे अल्ट्रासाउंड में शिशु के सेक्स का भी पता लगाया जाता है। आप अल्ट्रासाउंड पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में करा सकते हैं, यानी तीसरे महीने में और छठे महीने में या फिर 9वें महीने में अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में अल्ट्रासाउंड के जरिए बच्चे के जन्म की तिथि पता चलती है। गर्भावस्था के 6वें सप्ताह में आप अल्ट्रासाउंड के जरिए पहली बार अपने बच्चे की दिल की धड़कन सुन सकती हैं। कि पहली तिमाही में अल्ट्रासाउंड की मदद से आपके गर्भ में कितने बच्चे हैं, सिंगल हैं या ट्विंस बेबी हैं, इस बात का पुष्टि होता है। साथ ही बच्चे का गर्भाशय में सही स्थिति में है या नहीं है, इस बात का भी पता चलता है। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो उसमें बच्चे का जेंडर पता चलता है और ये पता चलता है कि बच्चा किस पोजीशन में प्रेगनेंसी के अंदर है, गर्भ के अंदर बच्चा किस पोजीशन में है। बच्चे को कोई जन्मजात बीमारी तो नहीं है, बच्चे का हाथ पैर नाक कान सब अच्छे से बन गया है कि नहीं, उसमें पता चलता है अल्ट्रासाउंड के जरिए। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में यानी थर्ड ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड के जरिए बच्चे की जन्मजात विसंगतियों के बारे में पता लगाया जाता है कि बच्चे के शारीरिक रचना सही से हुआ है कि नहीं, बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे से हो रहा है कि नहीं। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में किसी भी महीने में आप अल्ट्रासाउंड करा सकती हैं। अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चे की सही स्थिति पता चलेगी कि बच्चा किस पोजीशन में है गर्भ के अंदर। गर्भावस्था में माँ के शरीर में एमनियोटिक फ्लूड का केवल पता लगाया जा सकता है। एमनियोटिक फ्लूड एक पानी से भरा थैला होता है। माँ के शरीर से ही ये एमनियोटिक द्रव बनता है और गर्भनाल की मदद से ये बच्चे की नाल तक पहुँचता है। गर्भ में एक शिशु है या दो, इसका पता भी अल्ट्रासाउंड के जरिए आपको पता चलता है। अल्ट्रासाउंड के जरिए बच्चे की स्थिति का पता लगाया जा सकता है कि बच्चा उल्टा है या बच्चा सीधा है। बच्चे की हड्डियों में कोई संदिग्ध विकृति यानी कोई दोष तो नहीं है, ये भी अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चलता है। गर्भावस्था में गर्भ के अंदरूनी अंगों के विकास की स्थिति पता चलती है, साथ ही सभी अंग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, इस चीज़ का भी पता लगाया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड में शिशु की लंबाई, हार्ट बीट, ग्रोथ, हाथ और पैर का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, इसका पता भी अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपकी प्रेगनेंसी है या फिर आपके घर में किसी की प्रेगनेंसी है तो अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।